नमस्ते सत श्री अकाल। आज आप कैसे हैं? आप सब उम्मीद है अच्छे होंगे और आप सब मेरी स्टोरी सुन रहे होंगे। चलिए बैठे बैठे कुछ आपको सुनाते हैं आगे। हम बैठे थे और ख्याल ये था कि स्टोरी को सुनाया जाए, और तो सुनाते बढ़ रहे हैं, मगर आप सबको एक काम करना है, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, और थोड़ी बहुत सपोर्ट जो है वो थोड़ा और अच्छे से दिखाना है। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं और बताते हैं कि स्टोरी में हुआ क्या था। गीत और जैस, गीत और जैस में जो ये लम्हा उन दोनों की जिंदगी में आया होता है, जब गीत जैसे ही नीचे बिस्तर पे आती है और जैस ऊपर, तो उसको फिर नींद आ जाती है। वो सो जाती है, अचानक से इस तरह से वो सोती है। गीत को सोते हुए देख के जैस को हंसी भी आ रही होती है और परेशान भी हो रहा होता है। जैस अब क्या करे, अब उसको गर्मी लग रही होती है। वो बेड से नीचे आता है, उसको अच्छे से कवर अप करता है और अपने कपड़े जो खुले हुए होते हैं उसको ठीक करने के बाद वो कपड़े चेंज करता है, और चेंज करने के बाद फिर वो आता है और उसको देखता है इतने आराम से सोते हुए। देख के उसको काफ़ी अच्छा लगता है, उसको काफ़ी सुकून महसूस हो रहा होता है कि हाँ ठीक है, अभी ठीक है। तो जो गीत होती है वो सो जाती है। फिर जब वो सोती है तो उसको थोड़ा सा भी पता नहीं चलता कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। अब जैसे ही उसकी आंखें खुलती हैं, काफ़ी देर खुलती हैं, और जो धूप होता है ना, उसके धूप उसके रूम में बहुत आराम से रोशनी पूरी तरह से बिखेर रहा होता है। उसके विंडो से जो धूप आ रही होती है, तो वो अपना सर पकड़, उस मेरा सर, वो सामने बैठे एकदम तैयार शहर बैठे देखती है कि जैस बैठा हुआ है और उसके कपड़े बिखरे हुए होते हैं, उसके बाल बिखरी हुई होती है। अब उसको ये लगता है कि ये कैसे हुआ। तो उसको रात में जो चीज़ें हुई होती हैं वो याद आती हैं। तो फिर उसके दिमाग में चलता है क्या, फिर वो सर पकड़े हुए होते तो साइड में टेबल पे एक नींबू पानी का ग्लास होता है और कॉफ़ी होती है साथ में। जैस कहता है कि फ्रेश हो लो, सर दुख रहा होगा ये पी लो। वो बड़े आराम से बड़े प्यार से बोलता है, और अब वो सोच में पड़ी होती है ये क्या हुआ और मुझे उसके बाद का क्यों नहीं याद है। तो वो शर्म से उसकी आंखें झुकी हुई होती हैं। अब वो क्या पूछे और कैसे। वो जैसे ही रूम में से निकलने के लिए उठती है तो उसके पैरों के जो पायल होती है वो टूटी हुई होती है। तब वो उसके दिमाग में वो सारी बातें फिर से जो रात को हुई होती है वो रिपीट हो रही होती हैं। अब क्या करें, वो कैसे पूछे। फिर वो कुछ पूछती नहीं है जैस से, वो वॉशरूम जाती है और कहती कि ये मैंने क्या किया और मैं नजरे कैसे मिलाऊंगी यार मुझे, और ये क्या था, मैंने रात को क्या पिया था। तो कहती कि सच में मेरा दिमाग खराब है, मैंने ये किया
मुझे लगता है कि मुझे शर्म से डूब जाना चाहिए। वॉशरूम में खुद से जाके बात कर रही होती है तो दरवाजे पे नॉक होती है और जैस कहता है कि काफ़ी देर हो रहा है गीत, बच्चों को स्कूल भी छोड़ना है और मुझे ऑफिस भी जाना है। जो रात के मेहमान आए हुए होते हैं, काफ़ी उन दोनों की जोड़े की काफ़ी तारीफ हुई होती है, कुछ लोग देख के चले भी होते हैं और कुछ लोग बहुत ज़्यादा खुशी भी होती है। अब कोई वहाँ पे कुछ होता नहीं है और उनके लाइफ में जो नॉर्मली बेसिकली जो होना चाहिए उसमें भी जो हुआ होता है। गीत को थोड़ी बहुत बातें याद होती हैं, बाकी बातें याद ही नहीं होती हैं। वो बाहर आती है फ्रेश होके कपड़े पहन के और वो अपने बालों को ठीक कर रही होती है और वो बातें सोचे जा रही होती है। तो कहते जैस, तो कहते हाँ कुछ मैं पूछूं, तो कहते कि हाँ पूछो। वो उसका ध्यान पूरा उसका अपने काम में होता है। तब तक उसका फ़ोन बजने लगता है, विवेक का फ़ोन होता है। वो फ़ोन उठाता है और कहते हैं हाँ विवेक बोलो। तो पता चला जो चोपड़ा सर ने जो काम दिया था, तो विवेक कहता है कि यार बहुत ही गड़बड़ है, तू जल्दी से ऑफिस आ जा, मैं फिर बताता हूँ। तो जैसे ही निकलने वाला होता है तो कहते कि जैस सुनो, तो कहते हैं हाँ मैं सुन रहा हूँ, आगे अगर ज़रूरी ना हो तो मैं शाम को आके सुनता हूँ। और बच्चों को तैयार कर दिया है ना, तो कहती कि हाँ हाँ हो ही गए होंगे। कहते कि मैं जाके देखती हूँ। वो वहाँ से जाती है और वो बच्चों के रूम में पहुँचती है। जो उसके बच्चे होते हैं वो ऑलरेडी रूप और रानी दोनों ने उन दोनों को तैयार कर दिया होता है। वो नीचे आते हैं भागते हुए और भागते हुए सबको वो गुड मॉर्निंग विश करते हैं। सब लोग बड़े खुश होके उसके गुड मॉर्निंग के दोनों बच्चों को रिप्लाई करते हैं और सब पूछ रहे होते हैं कि सबको पार्टी कैसी लगी। ये दिन का चर्चा का विषय होता है। अब जब वो जो चर्चा का विषय होता है, सब लोग तो एक तरफ से खुशी होते हैं और उसकी चाची भी काफ़ी खुश होती हैं। पूरी उनकी ज़िंदगी में ना ऐसा कुछ नहीं होता जिससे उनको कुछ बुरा लगे। जैस और गीत, जैस गीत की तरफ देखता, जैस जैसे देखता वैसे गीत अपनी नज़रें झुका लेती, क्योंकि उसको अचानक से वो सारे इंसिडेंट्स याद आने लगते हैं। अब उसके दिमाग में वो चीज़ें चल रही होती हैं कि मैंने क्या किया था और मुझे हो क्या गया था। इस तरह से उसको शर्माते हुए देख के जैस अपने दिमाग में सोचे जा रहा होता है कि पता नहीं ये क्या सोचे जा रही है। अब वो कहते कि सबके लिए मैं चाय और नाश्ता बनाती हूँ। तो जैसे जो जैस की मोम होती है, मतलब उसकी सासु मोम होती है, कहते कि बेटा रहन दो, नाश्ता बन चुका है और तुम कल रात को थक गई होगी तो रहन दो आज। सब लोग काफ़ी खुश होते हैं, खुशी का माहौल होता है, एक दूसरे के साथ हंसी मजाक चल रहे होते हैं। इधर पुनीत तो रागिनी को इम्प्रेस करने में लगा हुआ होता है। रागिनी जो होती है काफ़ी पर्टिकुलर होती है, मैंने गिनी चुने चीज़ें उसको पसंद आती है। तो इधर चाची बोलती है लगता है कि भाई साहब दूसरी भी शादी करवानी पड़ेगी। तो कहते हैं कि क्यों, लड़की मिल गई क्या? हाँ घर में ही लड़की है और मेरे लड़का तो कुछ ज़्यादा ही लट्टू हुआ पड़ा है। तो सब लोग हंसने लगते हैं, कहते क्या माँ तुम भी, पुनीत बोलने लगता है, रागिनी भी हंसने लगती है। और रागिनी खड़ी होती है और आती है गीत के पास,
कहती है कि तुम इतना शर्मा क्यों रही हो, तुम्हारे इस चेहरे पे ये क्लू का राज क्या है। रूप और रानी भी आ जाते हैं। रूप और रानी दोनों पूछते हैं, हाँ हाँ भाभी वैसे हुआ क्या है आपको, आप इतनी शर्मा क्यों रही हो और आपके चेहरे पे इतना ज़्यादा शर्म क्यों, किस बात का, वैसे आपने किया क्या। तो कहते हैं मैंने कुछ नहीं किया, अब मैं क्या करूँगी। तो कहते हैं नहीं कुछ तो बात है भाभी, आप ऐसे शर्मा रहे हो ना तो मुझे डाउट हो रहा है। अरे क्या डाउट हो रहा है, मैंने कुछ किया ही नहीं है। तो कहते हैं कि नहीं आपका चेहरा बता रहा है। तो ये ऐसे कोई बात नहीं है, ये तीनों मिलके उसको छेड़ रहे होते हैं। जब इन तीनों की चल रही होती है तो जैस बोलता है कि मैं मॉम डैड निकलता हूँ और बच्चों को मैं छोड़ते हुए जाऊँगा, और पुनीत तू एक काम कर लेना, रूप और रानी के कॉलेज चले जाना, वहाँ पे जाके पता करके आना कि इन लोगों के कॉलेज में क्या चल रहा है। तो ठीक है भाई मैं चला जाऊँगा। वहाँ पे जो होता है एक एंट्री होती है, एक ऐसी एंट्री जो काफ़ी दोनों में सिमिलर कंटेंट होता है। अभी अर्जुन की एंट्री होती है वो बिना सोचे समझे एंट्री होती है। अर्जुन की एंट्री रूप और रानी के कॉलेज में। अभी ये अर्जुन कौन है ये हम चलते चलते स्टोरी में जान लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोनों बच्चों को जैस लेके स्कूल उनके पहुंचता है और उनको छोड़ता है स्कूल और खुद ऑफिस के लिए निकलता है। जैसे ही वो ऑफिस पहुंचता है तो आकांक्षा फिर से उससे टकराती है, और आकांक्षा टकराती आकांक्षा तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम मुझसे ही टकराती हो या सबसे ऐसे टकराती फिरती रहती हो। और वो टकराती है ना तो उसका हाथ और उसका कमर से वो पकड़ लेता है जैस और उसको कहते कि ठीक हो तुम, हाँ सर सॉरी सर करते हुए आकांक्षा वहाँ से चली जाती है। आकांक्षा धीरे धीरे कहीं ना कहीं अट्रैक्ट हो रही होती है, मगर उसके दिमाग में ये भी होता है कि नहीं बेटा शादीशुदा है। फिर जैस जैसे अपने कैबिन में पहुँचता है, विवेक आता है कहते कि ओए होए किसी के चेहरे पे आज बड़ा ग्लो दिख रहा है, क्या बात है, और आने में इतनी देर की हो गई। तो कहते कि तू मजाक में लेना बंद कर, और ममता ठीक है मैं यार उससे अच्छे से मिल भी नहीं पाया। तो कहते कि अरे हम समझ गए थे तू जो मिल रहा था। तो कहता कि अरे यार कुछ नहीं, तो कहते कि जो इन्फॉर्मेशन लेके आया वो बता। तो कहते कि हाँ मैं इन्फॉर्मेशन जो लड़का है सच में फ्रॉड है और वो एक ही लड़कियों के साथ ऐसा नहीं किया, कई लड़कियों के साथ ऐसा कर चुका है, और मैंने काफ़ी घर वालों के जो आजू बाजू लोग हैं उनसे पूछताछ किया तो ये पता चला कि उसका नेचर यही है और काफ़ी आवारा किस्म का लड़का है। तो कहता है कि फिर इससे छुटकारा कैसे मिलेगा। तो कहते कि इसी काम के हम लोग पैसे लेते हैं यार छुटकारा दिलाने का, अगर नहीं दिला पाए तो चोपड़ा सर का आना बेकार है ना। तो कहता है कि हाँ, तो कहता है कि जो हमारी टीम है उनको इन्फॉर्मेशन दे और उस लड़के के बारे में सब कुछ, और उस लड़के को धमका कि लड़की से दूर रहे, अगर नहीं रहेगा तो पुलिस कंप्लेन होगी उसके खिलाफ और पुख्ता सबूत भी है उसके पीछे लगाने के लिए। तो कहता है कि पक्का अश्वर है ये करना चाहिए। तो कहता है कि हाँ ये करना चाहिए, क्योंकि इस तरह से किसी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद हो उससे पहले ही हमें रोक देना चाहिए। तो क्या होता है कि ये सारी चीज़ें होने के बाद वो जाके विवेक ये सारा कांड करके चला आता है। जब वो घर आता है मतलब ऑफिस आता है तो
इनका दिन का दिनचर्या ऐसे पूरा होता है, फिर शाम ढलती है और शाम ढलते ही गीत का फ़ोन आता है। तो गीत का फ़ोन आता है तो कहते कि कब तक ऑफिस से आप निकल रहे हो। तो गीत को कहता है कि मैं बस थोड़ी देर से निकल रहा हूँ, तो बच्चे को पिक करना है। तो वो भूल ही चुका होता है, उसके दिमाग से ये बात निकल ही चुकी होती है। तो हाँ हाँ मुझे याद है मैं जा रहा हूँ, मैं बच्चों को पिक करना है। तो वो निकलता है जल्दी जल्दी में, आकांक्षा फिर से टकराती है और कहता है कि आकांक्षा मेरे टेबल पे फाइल है, तुम उस फाइल को देख लेना और फाइल देखने के बाद मुझे सारी चीज़ें मुझे कॉल पे शेयर कर देना, और कॉल पे शेयर करने के बाद मुझसे आगे क्या करना है वो मैं बता दूंगा, तुम्हें ब्रीफ कर दूंगा, तुम उसके अकॉर्डिंग कर देना, और मैं अभी निकल रहा। ऐसे बोलते हुए निकल जाता है। आकांक्षा जाती है उसके कैबिन में, वो फाइल उठाती है। फाइल उठाने के बाद वो देखती है क्या उसमें वीक पॉइंट्स हैं क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं। सारी चीज़ें देखने के बाद, अब एनालाइज करने के बाद, वो अपनी गाड़ी स्टार्ट करता है और बच्चों को पिक करता है। वहाँ पे बच्चों को पिक करने के बाद थोड़े दूरी आगे गाड़ी बड़ी होती है, तो रास्ते पे एक इंसान लेटा हुआ होता है। जो व्यक्ति लेटा हुआ होता है उसको लगता है कि किसी ने एक्सीडेंट करके छोड़ दिया है, और उस वो उतरता है गाड़ी से और जाके उसको उठाने के लिए। तब तक कुछ गुंडे जो होते हैं आके उसको घेर लेते हैं। जैसे ही घेरते हैं तो वो कहते कि तुम सब कौन हो और यहाँ पे ऐसे। तो ये चुपचाप अपना वॉलेट और तुमने ये जो भी पहना है सब निकाल के दो। वो कहता कि नहीं दूंगा, और ये आते हैं उसके करीब, सबके हाथ में डंडा चाकू पत्थर ये सब सारी चीज़ें होती। वो लुटेरे होते हैं जो रोड पे लोगों को लूटते हैं, उनका यही काम होता है सबको लूटने का। मगर उनको ये खबर नहीं होती है कि शायद ये जो कर रहे हैं ये गलत है और उनके साथ भी गलत हो सकता है। तब तक वो जो होता है उसमें एक लड़का होता है, नौजवान लड़का होता है, वो आता है और उसका कॉलर पकड़ता है, कहता है कि अगर नहीं दिया ना इसी चाकू से गला काट दूंगा। और गाड़ी में जो बच्चे बैठे होते हैं वो तो अच्छा होता है कि उनको जैस ने जो गाड़ी का लॉक होता है उसको लॉक कर दिया होता है। अब कहते कि ठीक है मैं देता हूँ। वो अपना वॉलेट निकालता है और वॉलेट हाथों में जो रिंग होती है वो निकाल के देता है, और जो गले में चेन होती है वो भी निकाल के दे देता है। देने के बाद जैसे ही वो देता है उसके सर पे एक डंडे से बहुत ज़ोर से वार करते हैं, और वो थोड़े देर में ही उसके आंखें बंद हो जाती हैं। वो वहाँ से चले जाते हैं और बच्चे चुपचाप वहाँ पे ऐसे इस माहौल में डर के मारे छुप जाते हैं गाड़ी में। और ये सारी चीज़ें देख के उनको बहुत ज़्यादा डर उनकी आँखों में साफ साफ। जब तक जैस जगता या उसको होश में आने के बाद या आता होश में, उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था उसके साथ क्या हो रहा है। उसके सर से ब्लड निकले जा रहा होता है, और जो बच्चे होते हैं वो रूम में अंदर होते हैं। जब वो रूम में अंदर होते हैं तो ये सोच रहे होते हैं कि कैसे बाहर निकले। तो वो अभी ऐसा होता है कि अब उनके दिमाग में कुछ चल रहा था, आगे कुछ वो कहना चाह रहे होते हैं मगर वो बोल नहीं पा रहे थे। तब तक होश में आते हुए सर को और वो गाड़ी की जो की होती है वो लोग खोलते हैं। बच्चे दरवाज़ा खोल के नीचे आते हैं और जो पानी का बॉटल लेते हैं, कहते हैं कि फ्रेंड पानी पी लो और आइए, आपके सर से तो बहुत खून निकल रहा है। उनके पास छोटा सा रुमाल होता है वो उसके सर पे रखते हैं, और वहाँ पे वो खड़े होके हेल्प मांगने जो परी होती है उसको ऐसे हेल्प कर रही होती है, और पंकज जो होता है वो किसी से हेल्प मांग रहा होता है। तो एक रास्ते से जो बाइक से जा रहा होता है तो
वो अचानक से रोकता है बच्चों को ऐसे देख के, कहते क्या हुआ बच्चों तुम लोग ऐसे यहाँ पे ऐसे कैसे। तो कहते कि हम लोगों के फ्रेंड वहाँ पे बहुत सारे गुंडे हैं, उनको मारा और वो उनको बहुत खून निकल रहा है, प्लीज हेल्प। तो वो गाड़ी खड़ा करते हैं, आते हैं तो देखते हैं कि सच में उसको चोट लगी है और उसके सर से खून बह रहा है। तो वो उसको उठाता है, कहते हेलो सर आप ठीक हो? हाँ हेलो। तो उसके चेहरे पे वो थपकी दे रहा होता है और उससे ये चीज़ पूछे जा रहा होता है। जैसे ही उसकी आंखें खुलती हैं और ऐसे देखता है तो थोड़ा सा होश में आता है। उसके पास एक उसके हाथ में गमछा होता है, उसके सर को बड़े टाइटली बांधता है और कहता है कि आपको कोई हेल्प चाहिए? तो कहता है कि नहीं नहीं थैंक यू, मैं अभी चला जाऊंगा। बच्चों गाड़ी में बैठो। उसके शर्ट पे उसके कपड़े पे सारा ब्लड लगा हुआ होता है। बच्चों को गाड़ी में बैठाता है, फिर स्टीयरिंग को संभालते हुए गाड़ी स्टार्ट करता है और वो घर की तरफ जाने लगता है। घर की तरफ जा रहा होता है, वो अपने सर को बार बार पकड़ रहा होता है, जैसे तैसे करके वो अपने घर पहुंचता है। जैसे ही वो घर पहुंचता है तो पुनीत उसको देखता है। पुनीत देखता है तो कहते कि भाई ये क्या हो गया? वो कह रहे कि बच्चों को पहले निकालो, बच्चे बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। बच्चों को वो पुनीत निकालता है और वो अंदर जाता है। जैसे ही वो सोफा पे बैठता है, गीत और जैस सॉरी जैस जैसे बैठता है, गीत और रागनी दोनों भागते हुए आते हैं, और भागते हुए आते हैं दोनों सेम टाइम पे। दोनों का रिएक्शन सेम होता है, वही चिंता और वही आंखों में दर्द, दोनों के आंखों में ये चीज दिख रहा होता है सिमिलर। फिर रागिनी सबको देखते हुए रुक जाती है और जैस वो जो फर्स्ट हेडकिट होता है वो लेके आती है, उसके सर को बहुत अच्छे से डिटॉल से क्लीन करती है। क्लीन करने के बाद उसको बैंडेज करती है, जो उस पे कपड़े से बांधा गया हो तो उसको हटाती है। और उसके जो बच्चे होते हैं वो पुनीत के पास होते हैं। जब पुनीत के पास है वो बच्चे गीत के पास आते हैं, कहते हैं कि माँ कुछ लोगों ने फ्रेंड को ऐसे मारा और कोई रुक भी नहीं रहा था फ्रेंड के लिए। उसकी माँ जो होती है काफ़ी चिंतित होती है जैस की, और उसके पास आके बोलती है कि बेटा ये कैसे हो गया? तो कहते हैं कि माँ मुझे भी नहीं पता ये क्या हुआ कैसे हुआ, मगर मुझे लगा कि रास्ते पे कोई एक्सीडेंट हुआ है, मैं बाहर निकला और कुछ लुटेरे आ गए। उसके हाथ की रिंग चेन वॉलेट कुछ नहीं होता उसके पास, और सब लोग समझ जाते हैं कि ये हादसा कैसे भी बच के आ गए, ये ज़्यादा समझते हैं। और कहते हैं गीत से, गीत तुम जैस को रूम में लेके जाओ। जैस को रूम में लेके जाती है, उसके हाथ को अपने हाथों में पकड़े हुए। जब वो दोनों जा रहे होते तो रागिनी पीछे से दिख रही होती है। ऐसे उसके मन में कुछ सवाल होते हैं, या वो वक्त जो जिस वक्त में उसका अधिकार उस पर ज़्यादा था, उस चीज को वो याद करती है। और अब उसके जिंदगी में उसकी क्या अहमियत है, अब उसको वो भी पता लग रहा होता है। पुनीत आता है और कंधे से हिलाते हुए कहते हैं क्या हुआ? तो कहते कुछ नहीं। कहता कि नहीं चेहरे से दिख रहा है कोई तो बात है, भाई के लिए परेशान हो? तो कहते कि नहीं। तो कहते ये नहीं समझ आ रहा है तुम्हारे चेहरे से, और तुम्हें तुम्हें लगता है कि सबको पता नहीं चल रहा, सबको पता चल रहा है यहाँ पे, और सब ये जानते भी हैं कि तुम दोनों में क्या पास में रिलेशन रहा है, मगर मुझे लगता है कि तुम्हें इन सब चीज़ों को छोड़ के आगे बढ़ जाना चाहिए। तो कहते हैं कि हाँ सही कह रहे हो, और मेरी भलाई इसी में। वो उसको एक हंसते हुए स्माइल पास करती है। और पुनीत कह रहा है तुम ऐसे ही मुस्कुराती तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तुम बस कर दो ना पुनीत,
तो ये देखिए ठीक है। और वो फिर निकलता है, उसके कुछ फ्रेंड आने वाले होते हैं, तो वो निकल जाता है पुणे। रूप और रानी दोनों ही, उन दोनों का बिहेवियर ऑलवेज अच्छा होता है। वो आती है, दोनों गीत और जैस के रूम में नौ करती हैं। उनको पता चलता है कि ऐसा ही हुआ है कुछ, वो दो कॉलेज के ही होती हैं। जब वो आती हैं तो देखती हैं कि भाई आप ठीक हैं और कोई दिक्कत तो नहीं हुई, आप प्लीज़ अब अपना ध्यान रखा करें। ऐसे पता है नहीं, ऐसे लोगों का कोई भरोसा नहीं है। कुछ लोग ऐसे कुछ भी करने के लिए उतारू हो जाते हैं, हमें तो पुलिस कंप्लेन करना चाहिए। रूप और रानी दोनों कन्वेंस कर रहे होते हैं। वहाँ पे गीत की आंखों में वो दर्द दिख रहा होता है अचानक से, उसके लिए वरीडनेस, उसके साथ ये सारी चीज़ें। क्या देखिए, हाँ सही कह रहे हो तुम दोनों, मुझे तो लगता है पुलिस कंप्लेन भी करनी चाहिए। और अच्छा हुआ जैस को कुछ हुआ नहीं, अगर कुछ हो जाता तो। और इस तरह से किसी को चोट पहुंचाया जाता है, और साथ में बच्चे भी थे। अब कुछ हो जाता तो क्या होता, वो उसके दिमाग में एक अलग ही टेंशन बनी होती है। वो उस अलग ही टेंशन में घूम रही होती है। वो दोनों रूप और रानी, यदि भाभी आप को बड़ी ताई बुला रही थी, आप नीचे चले जाइए, हम दोनों हैं भैया के पास। कहते हैं कि ठीक है मैं आती हूँ। तो रास्ते में उसको रागिनी मिलती है। रागिनी कहती है कि अभी जैस कैसा है। तो गीत कहती है कि अभी ठीक है, आप मिलने नहीं गई। तो कहते कि नहीं ठीक है ना, बस मैं जानना चाह रही थी वो ठीक है या नहीं। और मुझसे बात करते करते वो नीचे दोनों साथ में ही आ रहे होते हैं। तो गीत कहते कि मुझे तो बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है कि ये सारी चीज़ें हुई, और इन सब चीज़ों में अगर कुछ हो जाता तो, और जैस को सबसे ज़्यादा तो ये मतलब कैसे समझाओ। तो ये तुम्हारी हालत में समझ सकती हूँ, रागिनी अचानक से ऐसे बोलती है। तो ये देखिए थैंक यू, ये देखिए इसमें थैंक यू क्या क्या बात है, सब ठीक है। और उम्मीद करती हूँ कि तुम दोनों, अब तुम दोनों में इतनी अंडरस्टैंडिंग तो है कि तुम दोनों एक दूसरे को समझ सकते हो। तो ये देखिए हाँ बिल्कुल। तब तक उनकी सासू माँ आती हैं, कहती कि बेटा ये हल्दी वाला दूध है, तुम जैस को दे दो और वो क्या खाएगा ये भी पूछ लेना। तो कहती है कि ठीक है माँ मैं पूछ लूँगी, और किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो बता देना। तो कहती है जी माँ, और वहाँ से वो लोग चले जाते हैं। इधर रूप और रानी दोनों वहाँ पे जैस के पास बैठ के और उसकी तबीयत का ध्यान रख रहे होते हैं। जब उसकी बहनें दोनों बैठी होती हैं तो कहते हैं कि जैस कहते हैं कि तुम दोनों जाओ मैं ठीक हूँ। तो कहते हैं कि नहीं भाई ऐसे कैसे चले जाएं, भाभी को आने दो फिर जाएंगे। तो कहते अरे यार ठीक हूँ जाओ तुम दोनों। सारी फैमिली में एक इंटेंशन माहौल होता, थोड़ा सा होता ना प्रॉब्लम वाला। वहाँ पे उसके पिताजी जो होते हैं वो पुलिस कंप्लेन ऑलरेडी कर चुके होते हैं, और कहते हैं कि गीत जब वो जा ही रही होती थी, हाँ पापा मैंने पुलिस कंप्लेन कर दिया, पुलिस स्टेशन से इंस्पेक्टर आता ही होगा और वो बयान लेगा, जैस को बता देना। तो वो कहते हैं कि ठीक है पापा। रागिनी को कहते कि मैं मिलती हूँ ना थोड़ी देर से। तो कहती हाँ हाँ बिल्कुल। वो चल जाती है और रूम में जैसे पहुँचती है रूप रानी कहते कि भाई अब हम लोग चलते हैं, और भाभी भैया को हम लोगों ने दवाई दे दिया है और बाकी चीज़ें जो हैं वो आप देख लीजिएगा। तो ये देखिए ठीक है, उसके कपड़े जो हैं ना वो गंदे हो चुके होते हैं। कहते कि मैं कपड़े चेंज करवा दूँ या? तो कहते कि हाँ मुझे ये चेंज करने की ज़रूरत है क्योंकि इस पर ब्लड लगा हुआ है तो अच्छा नहीं लग रहा है, काफ़ी ज़्यादा अजीब सा लग रहा है। तो कहते कि ठीक है, उसके कुछ कपड़े निकालती है और उसको देखती है, और वो वॉशरूम में जाता है।
जैसे वॉशरूम में जाता है, वो कपड़े अपने चेंज करता है और फिर रूम में आता है। जो हल्दी वाला दूध होता है वो वैसे जैसे बाहर आता है, उसका हाथ पकड़ती है और अच्छे से उसको कंफर्टेबल करते हुए बैठाती है और कहती है ये माँ ने दूध दिया था। और पापा ने बोला है कि उन्होंने कंप्लेंट फाइल कर दी है और स्टेशन से कोई ना कोई आता ही होगा, तो अपना कंप्लेन जो हुआ है वो बताना है। तो कहता है जैसे कि पापा भी क्या ज़रूरत थी इन सब पछड़ों में पड़ने की। तो कहते हैं कि नहीं वो सही भी है, ज़रूरी है। और आपको क्या लगता है, आप कुछ ज़्यादा समझदार हो? नहीं, अगर कुछ बड़ों ने किया है तो वो सही किया होगा और सोच समझ के किया होगा। और ज़रूरी तो नहीं कि एज ऑलवेज उनको आपसे पूछने की ज़रूरत हो, बताने की ज़रूरत हो। तो प्लीज़, ठीक है? तो कहता है कि तुम मुझे डांट रही हो या बता रही हो गीत? तो कहते हैं सॉरी। उसका कन्वेंस एक लेवल ऊपर जा रहा होता है, वो थोड़ा ज़्यादा कन्वेंस होती है इस बात को लेके। और उसके लिए खासकर जैस के लिए उसका ये नेचर देख के जैस को अच्छा भी लगता है। और उन दोनों में जो होता है ना, एक दूसरे को देखना, एक दूसरे को देख के जो नज़रें झुकाना, और वो धीरे धीरे जो स्लो मोशन में उन दोनों के बीच में जो एक रिलेशन क्रिएट हो रहा होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। धीरे धीरे वो एक दूसरे को समझने लगे होते हैं, उन दोनों की बॉन्डिंग स्ट्रांग हो रही होती जैसे जैसे दिन बदल रहे होते हैं। गीत को ये कंफर्टेबल जोन जो होता है ना काफ़ी अच्छा लग रहा होता है। उसकी बीती हुई ज़िंदगी में जो उसकी ज़िंदगी जो बीती है उसको देखते हुए उसको ये इस वक्त जो माहौल होता है वो काफ़ी सही लगता है। घर में काफ़ी सपोर्टिव लोग होते हैं। चाची को जो जो प्रॉब्लम होती है अब उनको नहीं होती है। फैमिली में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। अचानक से ये इंसिडेंट्स, अभी तो उसके दिमाग में वो सारी चीज़ें आई ही होती हैं कि तब तक उसके साथ ये हो जाता है। प्रॉपर गीत उसका ध्यान रखती है। और जैसे ही ममता और विवेक को ये बात पता चलती है, वो शाम तक उससे मिलने भी आ जाते हैं। जैसे ही विवेक और जब ममता को पता चलता है तो आते हैं और कहते हैं नमस्ते अंकल आंटी, कहाँ हैं जैस? तो वो कहते हैं कि वो अपने रूम में है बेटा, तुम लोग सीधे रूम में चले जाओ। तो वो जैसे पहुँचते हैं, रूम का दरवाज़ा जो होता है खुला होता है और गीत जो होती है उसको पिलो एडजस्ट कर रही होती है। तो वो दोनों नॉक करते हैं। तो जैस कहता है कि आओ ना, तुम दोनों बाहर क्यों खड़े हो? तो दोनों अंदर एंटर होते हैं। कहते हैं कि ये सब कैसे हुआ और तूने ये सब कैसे, मतलब मैं समझ नहीं पाया ये हुआ कैसे, विवेक पूछता है। और ममता कहती है कि तू थोड़ा दिमाग चला लेता। हाँ, तुम किस चीज़ का काम करते हो, एटलीस्ट उसका कुछ तो बेनिफिट्स होने चाहिए ना तुम्हारे पास। तुम्हारा मन जब भी आता है, जहाँ भी जब मन आता है तुम चल देते हो और कोई भी सिक्योरिटी नहीं। तो यार अब क्या हम लोग, विवेक बोलता है कि क्या हम लोग सिक्योरिटी लेके घूमे? जो हम काम करते हैं वो हमें काम हमारा पता है अच्छे से। तुम ऐसा पैनिक क्यों हो रही हो ममता? तो उधर से जैस बोलता है रिलैक्स हो जाओ तुम दोनों, दोनों यहाँ पे मेरे से हाल पूछने आए हो या दोनों लड़ने आए हो? तो ममता कहती कि नहीं मुझे समझ आ रहा है तुम दोनों का, ठीक है तुम दोनों का कुछ नहीं हो सकता और तुम दोनों ऐसे ही रहना तो किसी दिन बड़ी मुसीबत में फंसोगे। तो कहता है कि अरे भाई कुछ नहीं होगा, रिलैक्स हो जाओ। कहता है कि तुम दोनों रिलैक्स हो जाओ और मैं यहाँ से जाता हूँ, क्योंकि तुम दोनों की लड़ाई से ना मेरा सर दर्द हो जाने वाला है, एक तो ऑलरेडी दर्द हो रहा है। तो सॉरी 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 सॉरी। फिर वो कहते हैं कि तुम दोनों लड़ने के लिए आए हो या मुझसे मेरा हाल पूछने के लिए आए हो? तो कहते हैं अरे नहीं नहीं यार, तुम्हारे लिए आए। तो हाँ फिर बोलो मेरे लिए आए हो तो। जैस कहता है कि अच्छा ठीक है, तुम दोनों को कैसे पता चला? तो हमें अंकल आंटी ने बताया, हमने फ़ोन किया था। तो कहते कि ओके, तुम दोनों को इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सब ठीक है, कंट्रोल में है सब कुछ। तो कहते कि हाँ वो तो पता है कि इतना कंट्रोल में है, अगर कंट्रोल में होता तो तुम्हारा ये हाल नहीं हुआ होता। तुम मामले के
सीरियसनेस को समझ रहे हो? ममता पूछती है। तो विवेक बोलता है कि वो अच्छे से समझ रहा है, तुम नहीं समझ रही हो। फिर वो दोनों लड़ने लगते हैं। इन दोनों की लड़ाई देख के गीता अपना सर पकड़ लेती है। इधर जैस हंस रहा होता है तो कहता है कि अब तुम दोनों चुप हो जाओ यार, तुम दोनों चाय पियोगे? ये चाय इन दोनों के लिए, क्योंकि जितने देर चाय पियेंगे इनका मुंह बंद रहेगा। तो कहते हैं हाँ हाँ हमारी बातें तो तुम्हें बहुत ज़्यादा बुरी लगती है। ममता इतना ज़्यादा केयर करती है, वो दोनों अपने दोस्तों को काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती है। वो काफ़ी खुश भी होते हैं ममता के भी इस बिहेवियर से, उन दोनों को काफ़ी अच्छा भी लगता है। जाके गीत नीचे से चाय लेके आती है, दोनों को देती है और दोनों उसका हाल चाल पूछते हैं। और इधर गीत से ममता कहती है कि किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो इन्फॉर्म करना, हम दोनों हैं। और तू जब तक ठीक नहीं हुआ बाहर मत निकलना, और ऑफिस तो बिल्कुल नहीं, उसको गुस्से से घूरते हुए बोलते थे कि हाँ मेरी माँ बिल्कुल, तू जैसा कहेगी वैसा। वहाँ से वो दोनों थोड़ी देर के बाद निकल जाते हैं। अब दोनों ही उस कमरे में होते हैं और दरवाज़ा खुला होता है। तो जब दरवाज़ा खुला होता है और गीत जो होती है वो खड़ी होती है, तो कहती है कि तुम खड़ी क्यों हो, बैठ जाओ ना, जैस बोलता है। और जैस उसके पीठ में ना वो पिल्लो थोड़ा सा उसको तकलीफ दे रहा होता है, तो वो एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा होता है। तो वो आती है और कहती है कि मुझे बोलो ना कि क्या हुआ है, तो ये जो पीठ के पीछे जो पिल्लो है ना थोड़ी सी तकलीफ दे रहा है, थोड़ा सा उसको ठीक कर दो। वो पिलो को ठीक कर रही होती है, दोनों के फेस एकदम आमने सामने होते हैं और दोनों की नज़रें एक दूसरे से मिलती हैं और दोनों एक दूसरे से नज़रें छुड़ा लेते हैं। अचानक से फिर से ये दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं, इनकी नज़रें मिलती हैं, इन दोनों में एक होता है कि बहुत प्यारा सा बॉन्ड क्रिएट हो रहा होता है। और वो दोनों ये धीरे धीरे इस बात को समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं। इस एपिसोड को जानने के लिए आपको हमारे साथ बने रहना होगा। तो चलिए नेक्स्ट एपिसोड में सुनेंगे। बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।